नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की आलोचना। कहा, 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की रोक से गूगल के करीब 187 कर्मचारी होंगे प्रभावित। अपने ट्रैवलिंग स्टाफ को अमेरिका वापस बुलाया। ईरान समेत कई देशों ने भी किया विरोध। कल पाकिस्तान में रिलीज होगी बॉलीवुड फिल्म रईस और काबिल। पाक फिल्म कमेटी की सिफारिशों को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दी मंजूरी। रिलीज से पहले सूचना मंत्रालय और सेंसर बोर्ड से फिल्म की करानी होगी समीक्षा। तुर्की के 40 सैनिकों ने जर्मनी में मांगी शरण। शरण मांगने वालों में अधिकतर उच्च सैन्य अधिकारी जर्मनी के नाटो सेना में थे शामिल। मलेशिया के समंदर में 20 चीनी पर्यटक समेत 31 लोगों को ले जा रही नौका लापता। चीन से नौका का संपर्क टूटा। कोटा किनाबालू से पालाऊ मेंगालुम के लिए रवाना हुई थी नाव। और यूएई की वायुसेना का दावा, यमन में ईरान निर्मित ड्रोन को मार गिराया। मिसाइल के जरिए ड्रोन पर साधा निशाना। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार। We'll be right back.